जय हिंद, नमो बुद्धाय सभी को। अक्सर बोलती हूँ लेकिन मैं बोलते समय अब डरती नहीं हूँ, क्योंकि सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है और वो मेरे अंदर आ चुकी है। हम लोग अपने ही कुछ कमियां हैं जिनके कारण पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब समाज में निकलते हैं, समाज का काम करते हैं, तो अपनों से ज्यादा दो तीन जातियां हैं जिनको मैं तीन बोलती हूँ, उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे ऐसा लगता है कि शायद हम इनके साथ मिलकर चलेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, और जब वो उस लायक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो हमको ऐसे लात मार देते हैं। हमारी जो कड़ी कड़ी मेहनत है उनका फल वो ले जाते हैं, और हम जहाँ से चले थे वहीं आके गिर जाते हैं। हमारी जमीन जो कच्ची है ना, वो हमारे कारण है, क्योंकि हम अपने से ज्यादा दूसरे पर भरोसा करते हैं, और अब हमें वो करना नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में जो नतीजे आए ना, वो बहुत भयंकर आए हैं। इसलिए क्योंकि हमारा इस्तेमाल के लिए हमारे लोग चमक धुआं में चले भी जाते हैं दूसरी पार्टियों में और अपने दूसरे से लोगों में, तो वरना हम ये हासिल कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन वो ऊंचाई तक नहीं ले जाते, वो सिर्फ वहां तक ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। अगर हमें इस ये पार्टी का सहयोग मिला है, सपोर्ट मिला है, तो हम लोगों को जमकर कार्य करना चाहिए। आप लोग बहन भैया की उम्र है, हम आपके साथ है और एक दूसरे सबके साथ है, और इन बुजुर्गों का हमारे आशीर्वाद है, तो हम इस बात को लेके चले कि हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, हम किसी से कम नहीं है, और अपने जितने लोग हैं उनको सब संगठित करो, इसलिए करिए, क्योंकि हम किसी को अपना हक नहीं देंगे, बहुत दे चुके, हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम लड़ेंगे और तभी जीतेंगे। ये नहीं कि हम लोग बहुत काबिल हो गए और कुछ चीजों के लिए हमने जैसे मतलब और कमेटियों में अन्य जाति के लोगों को घुसा लिया जाता है, अब वो हमारे बलपन का फायदा था कि आगे बढ़ जाता है और हमारे घर में हमको किराएदार बना देता है, तो हमें बोले बनना है, हम घर के मालिक है तो मालिक ही बनेंगे। देश हमारा है, देश में रह रही जनता हमारी है, समाज हमारा है, तो हम अन्य के लोगों की गुलामी क्यों करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अभी थोड़े आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं, कोई मन से, कोई तन से, हर तरीके से सहायता कर सकते हैं, किसी न किसी रूप में अपने आप बहुत सारे सहयोगियों के सहयोग कर सकते हैं। तो मैं उनसे ये करूंगी कि आप कहीं भी जाओ, ये गुजारिश करिए कि जिस तरीके से भी समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए, अपने अधिकार के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, तो आप हम लोग एक दूसरे का ही साथ देंगे, तीसरे व्यक्ति का हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें उनका एहसान नहीं चाहिए, वो हमारे को ही हमारे तरीके से मार दे देते हैं। अब देखिए आराम से देखिए कितने बीजेपी आ गई, उन्होंने हमें क्या दिया, कुछ नहीं दिया ना, स्कूल शिक्षा ये सब अपना बड़े गुलामी कर करके पैर छू छू के अपना मतलब निकाल के शासन दिया है, और उसके बाद भी अपना क्या कुछ नहीं रखा अपने पास सब कुछ। और सबसे बड़ी पहली ये कि सरकार ने शिक्षा रोजगार इन सब पे लात मारी है, ना आपके पास शिक्षा होगी ना रोजगार होगा तो आप आगे बढ़ोगे कैसे, रहोगे ना गुलाम, तो हमें अब गुलामी नहीं करनी है, इतनी अकल तो बाबा साहब हमें दे रहे हैं और दे चुके हैं, और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी उन्हीं से मिली है, तो हमें गुलामी नहीं करना है, जितनी भी मेहनत करनी है अपने दम पर करनी है और आगे बढ़ना है, और अपने दम पर आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई गिरा नहीं सकेगा, हम किसी का पल्लू नहीं पकड़ेंगे, हम अपने दम पर कार्य करेंगे, और हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हम कमजोर नहीं है, ये बात आप अपने दिल से निकाल दीजिए। हम कभी जाते हैं तो ऐसा लगता है हम कमजोर तो नहीं है, कहाँ है कमजोर, अच्छे खासे लड़ सकते हैं, एक माँ से बोल दो उसके बच्चे को किसी पड़ोसी ने पीट दिया, कितनी दावा था मैं ये, तो ये सोचिए कि बच्चे हैं समाज के जो अपने ही है, इनमें आने वाले समय पर ये गुलामी करेंगे, हमारी बहन बेटी के साथ क्या हुआ, जो पिछला जमाना था ना वो वापिस आएगा हमारा शोषण करने के लिए, लेकिन हमें गुलामी नहीं करनी है, हमें जागरूक रहना है और समाज को संगठित करना है, और उसका उपयोग हमें तब करना जब हमारे ऊपर हमला होगा, अपने आप को इतना मजबूत बना के चलना है, कभी किसी को अपनी ताकत दिखानी नहीं समय से पहले, और जब समय आए तो अपनी ताकत का इतना इस्तेमाल कर लो कि सामने वाला व्यक्ति हमें हरा ना सके, यही हमारी जीत है। जय हिंद।